पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक और मोहम्मद शमी के बीच एक बयान को लेकर छिड़ी जंग। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं सलमान बट, जिन्हें आप लोग भी जरूर जानते होंगे। हाँ, तो सलमान बट की अगर हम बात करें तो यह एक समय में पाकिस्तान के स्टार ओपनर व कप्तान थीं। भारत के खिलाफ इनके स्टैट्स व रिकॉर्ड काफ़ी अच्छी खासी थी, अच्छी एवरेज से ये भारत के खिलाफ रन बनाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सलमान बट की, जिन्होंने एक मैच फिक्स करके अपने साथ साथ मोहम्मद आमिर व मोहम्मद आसिफ इन दोनों के करियर को ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने इन दोनों के करियर में एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया जिससे न ये खुद निकल पाए और न इनको निकलने दिया। लेकिन अब ये अपने रिटायरमेंट के बाद हमारे भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की यॉर्कर को देखकर पगला गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला T20 वर्ल्ड कप 2024 का है, जब अर्शदीप सिंह बॉलिंग कर रहे थे और 14वें ओवर में उनकी बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी। तो इसमें इंजमामुल हक ने अपना बयान देते हुए, टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 14वें ओवर में गेंद कभी रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती। इस बात को लेकर अंपायर्स व ICC को जाँच करनी चाहिए, गेंद की चीर फाड़ करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। पक्का भारतीय खिलाड़ियों ने ही इस गेंद के साथ छेड़छाड़ की है, इससे रिवर्स स्विंग हो रही है। तो फिर मोहम्मद शमी ने अपने एक पॉडकास्ट में इंजमामुल हक को बयान देते हुए कहा कि भैया आप ज़्यादा कार्टूनगिरी मत करो, हम पागल हैं क्या, हम पागल तुमको दिख रहे हैं क्या, आप लोग कुछ भी कहते हो यार, और हाँ आप लोग ये फालतू की बातें करना छोड़ के अपने सिलेक्शन पर ध्यान दो, जिससे कि आपके गेंदबाज भी ऐसी कला अपने अंदर डेवलप कर सकें। आप लोग ये भाई बंधु व अपने रिश्तेदारों को छोड़कर नए लड़कों को भी मौका दो, जिससे कि आपको नया टैलेंट मिल सके, तो फिर इसके बाद जिससे कि आपको भी ये सब बातें नहीं कहनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।